पदकृत्यम व्याख्या कर्म उत्तर कस तर्कसंग्रहग्रंथ सेर्कसंग्रहग्रंथ अन्नम भट्टेन विरचि अन्नम भट्टेन

बालेश्वरपि बालानं कृते बोधाय न भवति एकैकमपि पदं किं भक्ति कथम अन्वयो भवति तर्क सिद्धान्तः अत्र कथम् उपपादितो भवति उपपादितस्य अस्य ग्रंथस्य अनुसंधानम वयम कर्तम व कथं वा कर्तुम शक्नुमः लोके विद्यमानानां समस्त पदार्थानां बोधः अस्मात् अध्ययनात् कथं वा भवितुं अर्हति इत्यादिः संदेहः उद्भवन्ति अतः चंद्रजसिमः चिंतितवान् ये ग्रंथ से कृते प्रत्येक पदम यथा सुखे न बोधा भवे तथा एक टिप्पणी रूपम लघुव्याख्यान रूपम पदकृत्य नामक पदस्य कृत्यम पदकृत्यम पदम किम वक्ति पदस्य कृत्यं किम अर्थावबोध किम पदम कम अर्थम बोधयितुम आगतम तस्मात् पदात् कथम एतादृशः अर्थः समायाति इत्यादि दर्शयितुमेव केवलं लघु टिप्पणी ग्रंथम एकम आरचयत कहा चंद्रज सच्चा चंद्र जैसी महा पदकर्त्ता नाम अकबर स्वयं मंगलमाचरते किमर्थम विघ्न विघाताया मया बाला नाम येते शाम तर्कसंग्रहोक्ता ग्रंथा हाँ एक हा एक टिप्पणी रूप लघुव्याख्यान रूप हा विरच्यमान हा वर्तते तत्कार्यम संपूर्णतांगच्छेत समाप्तिम्यायात तथा भी निर्विघ्नेन समाप्तिं गच्छेत विघ्नोपि तत्रा मध्येन भवेत कुत्रा भी ये पदम बोधाय न कल्पितम इत्येवं रूपेण न तथा विघ्न विनाशाय स्वस्य इष्टदेवं श्री गणेशं उचित देवं च विघ्नस्य नाशार्थं उचितः देवः अपि गणेशः अतः तत्तादृशं गणेशं नमस्कृत्य ए वञ्च तत्पितरौ पार्वती शंकरौ गणेशस्य तस्य प्रणामं विधाय प्रतिज्ञां करोति मया पदकृत्यकम् चंद्रजसिंहे नमया पदकृत्यकं, चंद्र पदकृत्यकं क्रियाते इति प्रतिज्ञां करोति කිමර්තම් ඉඩම් පදකට්ටකන් ක්‍රියතය ඉතිිත ද්දේශමපි දර්ශයති අග්‍රමය පද්්‍යිය. ඉඩම් බාලානම් උපකාරකම්ම්යේ අතාහ අහම් ඉදන් කරෝම්. ා යස්මාත් ඉඩම් බාලානම් උපකාරකම් තස්මාත් හිතකරම් වාක්‍යම් විදුසාභක්තවියම්

अनधीत न्याय शास्त्र वारं वारं जिज्ञासा प्रकाशय <coughs> संशयादिक उत्थापय अतः विदुषा किं कर्तव्य बालानां कृते हितकरं वाक्यं वक्तव्यं यद् हितं भवति तदेव वक्तव्यं हितं hmm. अस्य तर्कसंग्रहस्य बोधजननेन भवति अतः तद्बोध जननाय वाक्यं वक्तव्यं hmm. किं वक्तव्यं प्रत्ये इदमेव सरलं इदमेव अत्यंत सरल रूप प्रवेश ग्रंथ विशेष रूपेण विद्यमानं तर्क संग्रहाख्यम इदं तस्यैव पुनः हितकरं किं भवेत् तत्र विद्यमानस्य प्रत्येकस्य पदस्य कृत्यं उक्त्वा बोधः जननीयः अतः हितकरं वाक्यं उच्यते चेत् बालानां कृते उपकारः भवति अतः इदं बालानाम् उपकारकं भवेत् यतो हि ही मयं हितं कुर्वन्नस्मि किं हितं तर्कसङ्ग्रहोक्तस्य प्रत्येकस्य पदस्य अर्थं विवृणोमि mm -hmm. तेन तत्कृते बोधे સુખરતા હોતી અતકરવાક્યોપદેશ અત્રે તદર્મવા ગ્રંથ લઘુટિપણગ્રંથ વિરચય્ય અનુગ્ણા અહ यथा निधायेत्यादिना तर्कसङ्ग्रहकारः भट्टः मङ्गलाचरणं विधाय प्रतिज्ञां कृत्वा ग्रन्थमिदम् आरचयामि इति प्रदर्श्य अस्य ग्रन्थस्य विषयः अयं प्रयोजनम् इदम् सुखबोध हाँ, एवंचा अधिकार ना हाँ, बाला हाँ, ऐसा एवंचा संबंध हाँ, ये तादृश हाँ, प्रतिपाद या प्रतिपाद भाव हाँ, इत्यादि यहाँ, अनुबंध चतुष्टयं दर्शिते, तथा आयम अभिअनुबंध चतुष्टयं दर्शयति क्योंकि पदकृत्यं विषयः तर्कसंग्रहोक्तस्य प्रत्येकस्य पदस्य कृत्यमेव अत्र मया उच्यते अतः स एव विषयः तेन किं भवति बालानाम् उपकारः भवति बालोपकारः एव अत्र प्रयोजनम् अधिकारिणः के बालाः

एत प्रयोजनं उपकारः अधिकारणः बालाः एव तर्कसंग्रह प्रवेशेच्छवः बालाः एवञ्च संबंधः कः इजेत प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावः एवञ्च अध्येत्र अध्येय भावः सह अस्माभिः ऊह्यः संबंधः ऊह्यते हमने ऊहा अनुमान करते हैं वहाँ पर संबंध मैं पढ़ता हूँ और इस ग्रंथ को पढ़ता मैं पढ़ने वाला हूँ अहमता अध्येय ग्रंथ अध्येता अहम अेय ग्रंथ पता अध्येत्र अध्येय भाव हां आवयो हो संबंध हां सापिता ये सापुत्र पिता पुत्र भाव हां नहीं वो हो संबंध हां ग्रंथा अहम अध्येता अध्येत्र अध्येय भाव हां संबंध हां ग्रंथा प्रतिपाद्य हां प्रतिपाद कहा चंद्र प्रतिपाद्य प्रतिपाद का भाव हात संबंध पाठ्य पाठ्यपाठक मम एवं ग्रंथ सबंध अहम पाठयामी पाठ्य ग्रंथो बदान पाठ्यपाठक सबंध ग्रंथ ग्रंथ पाठ्य एवं सबंध तस्म ऊ्य अतः क्या ग्रन्थस्य आरचनात् प्राक्त समस्त कार्यस्य आरचनात् प्राक्त अनुबन्ध चतुष्टयन्तु भवे देव अनुबन्धः इति अनुबध्यते इति अनुबन्धः अनुश्रुत्य बध्यते इति अनुबन्धः एत चतुष्टयम अनुश्रत्यैव तेन ग्रंथेन सह बन्धः भवति वयम शिक्षापत्रीम किमर्थम अध्ययन कुर्मः अस्मत् कृते mm -hmm. तद अध्ययने अनुबंध चतुष्टयं तत्र वर्तते अतः अनुबंधः अस्ति विषयः प्रयोजनं अधिकारी संबंध इति एतत् चतुष्टयं तत्र अस्ति चेदेव तदाधारेण तद ग्रंथ से अध्ययने प्रवृत्ति ही जायते अन्यथा प्रवृत्ति देव न दे हरेक काम में वो है ही क्यों करना किस प्रयोजन के लिए करना किसके लिए करना और करने वालों के साथ उसका क्या संबंध है उस कार्य का लाभ उठाने वाले के साथ उसका क्या संबंध है ये सब तय होगा तो ही वो कार्य पूर्ण होगा अथवा वो पूर्ण हुआ कार्य के कार्य में सबका प्रवृत्ति होगा नहीं तो नहीं होगा ना ये न्यायशास्त्रम अधिजीगमिषंती अध्येतु इच्छा ते ये वह अध्यक्षिकारी अध्ययने प्रवृत्ति ही तदानीम् भवति येदा अस्म अस्य ग्रंथस्य अध्ययनेन न प्रयोजनम् इति तैहि ज्ञायते hmm. किम् ज्ञायतश्च शास्त्रोक्त पारिभाषिक द्रव्यं परिचयो परिचयोपभवते तदानीम् प्रवृत्ति

इति इच्छा अस्ति यहाँ यहात कामयते स एव तत्र प्रवृतो भवति अतः अनुबन्धाः चत्वारः चतुष्टयम् hmm. तत् किं करोति इति चेत् ग्रन्थे प्रवृत्त्यं उत्पादयति ग्रंथ प्रवृत्ति प्रयोजक विषय प्रयोजन अधिकारी संबंध रूप चतुष्टयम् ज्ञातम् भवति चेत् तदानीमेव तत्र प्रवृत्ति ही भवति अतः ग्रंथ अध्ययन प्रवृत्तो प्रयोजक भूताः इमे चत्वारः के विषय प्रयोजन अधिकारी संबंधाः अतः विषय प्रयोजन अधिकारी संबंधा अनुबंधा तद अनुबंध चतुष्टय ज्ञान भवति चेत तदनी ज्ञाते आम अहम अस्य अधिकारी यतो mm. हि तर्क संग्रह से बोध मत्कृते पूर्ण नभवते कंठस्थीकरण तो कृत उच्चारण आरंभा अंतर्यत सर्तुम शक्नोमी परंतु अत कि प्रतिपादित न ज्ञात प्रभवामी તની અહિત પદકૃત યિજ્ઞાસા ઉદેતી આત જ્ઞાન સપ્ત પદાર્થ નવદ્રવ્યા ચુર્વ ચૂર્શતી ગુણા તંચિત ગુણાનાં સામાન્ય પરીચયોપ્ એવું શુક્લ નીલં પીત રક્ત इति वदामः चेत् हाँ विभिन्न वर्णानां नाम इत्यपि ज्ञायते आपाततः ज्ञानं भवति परन्तु तो स्पष्टरूपेण अस्य पदस्य अयमेव अर्थः अस्य पदस्य अस्य अर्थस्य इदमेव लक्षणम् इति स्पष्टप्रतिपत्तिः न भवति यः स्पष्टप्रतिपत्तिं कामयते सः तदा अर्थबोधक कारकं व्याख्यानम अवलम्ब्य गन्तुमिहते तदव्याखयाने वेकम् पदकृत्यं अदहातः प्रवर्तो भवति अधा वयम् पदकृतस्य अधिकारिनः सः अधिकारी सः ग्रंथकर्ता चंद्रजसिंहः पदकृत्यं विरचयति बालानाम् उपकाराय किमिति तत्र आदौ एव सर्वप्रथमं मंगलपद्यं तर्कसंग्रहस्य मूलपद्यं निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियाते तर्क संग्रह आपाततः तद्वाक्यस्य तन मंगल बोधातु बोधः तु अस्त्येव हृदय विश्वेशम नाम विश्वेशस्य भगवतः ध्यानम कृत्वा गुरुवंदनम विधाया गुरुवंदनम आचार्यवंदनम कृत्वा गुरवे कृतज्ञतां समर्पया इतिर्थः एवो हि ज्ञानं तु तो तस्माद् आगतम तस्माद् आगतमेव ज्ञानं अहम् लघु बालानाम उपकाराय विनियोगं कर्तुम एकां योजनां करोमि अतः कृतज्ञता समर्पणं सर्वप्रथमं करोति गुरवे वंदनं विधाया एवं प्रतिज्ञां करोति बालानाम सुखबोधाय तर्कसंग्रहः मया क्रियते कहा अन्नभटा य कुछ को आवाज नहीं आ रही गुरु जी तत्र मंगल पद्य से व्याख्यान करो mm. विश्वेशम mm. हृदय निदाय प्रथमं वाक्य mm. अर्धवाक्यं तत्र गुरुवंदनं mm. विधाय द्वितीय अर्धवाक्यं mm. अनंतरम पूर्णम वाक्यं भवति तर्क मया क्रियते बालानां सुख बोधाय बालानां सुख बोधाय मया तर्क क्रियते अतः अच्छा इदं तु तो पदकृत्यं प्रत्येकस्य पदस्य कृत्यं वदति अर्थं वदति अतः अच्छा किं नाम विश्वेशः विश्वेशं विश्वस्य ईशः विश्वेशः विश्वं नाम प्रपंचः जगत् जगतः ईशः जगत यहामन करो नियमन सय करो यहात करता जो जिस कंपनी का निर्माता है वो ही उस कंपनी का एग्जीक्यूटिव बन सकता है नियमन कर सकता है वो स्वयं करे अथवा अपने नियोजित आदमी से करे है ना अतः जगत रूपस्य अस्य प्रपंचस्य कर्ता कः सः परमपुरुषः <दिवितिति> अतः विश्वेशं जगत कर्तारं ईशः ईश शब्दः लोके प्रसिद्धः शिवः इति अस्य इष्टदेवः अपि शिवः कोऽयं शिवः साम्बमूर्तिः श्री सांब सदाशिवा इत्यावम् रूपेण आपी अतः सांबा मोर्त्यम् विश्वस्य यीशा यीशो शब्दा नारायणे हरौ अपि अतः विश्वे जहा विश्वस्य यीशा हरि ही हरिम अभिवंद्या इत्यापि भवितुमर्घति परंतु चंद्रजसिमा हा स्वाता श्री पार्वती पार्वतीशंकर पर सह साक्षा शिवस्व भक्त अतः अश्वेण शब्द प्रयोग अस्त ईश लोकेश्वरे सदाशिव रूढ़ अत ईश्चर शिव शिव कॉमूर्ति सांब सांब सदिव इदीना प्रसिद्ध योग वर्त सदाशिव तम हृदय निधा हृदय अति चेदय शरीर सेवय अृद निधा अच्छा संस्था जगत्कर्ता आनाय स्थापय शक्य से यस्थ నిధాయ నిశేషేణం ధారణమి ఆధాయం ఆనయనం కర్తవ్యం తపనీయం తర్హతి అతది నిధాయృబ్ దేహ అవయవ ఎర్థ నాస్తి హృదయ వర్త నా అంటూ మన త్ర अतः हृद मनसी हृद मनसी निधाय नीति उपसर्ग अस्त निधा चेत निशेषेण धारय निशेषेण्स अपर अर्थ नितरा नितरा चेत पूेण परमपुरुषस्य ध्यानं पूर्णरूपेणैव कर्तव्यं पूर्णरपेण कर्तव्य नितरा परमपुरुषस्य ध्यानं क्रियते चेदेव परमपुरुषः अनुग्रहं चरमपुरष्रह hmm. अतः ध्यानं कदापि भवति अतः निधाय मनसि ध्यात्वा धारयित्वा नाम सम्यक् मनसि परमपुरुषस्य अनुसंधान करवा भगवंत संप्रार्थ्यार्थ हम सब भगवान का प्रार्थना करते हैं ऐसा उसका क्या अर्थ है कि हम हमारा मन से उनको पूर्ण रूप में धारण करते हैं उसका अर्थ क्या हमारा मन में उसको पूर्ण रूप में ध्यान करते हैं वही प्रार्थना है निदरांधार यित्वा गुरु वंदन च विधाया गुरो हो वंदन गुरु वंदन गुरु वंदन विधाया गुरु वंदन कि व्याख्यात न भवति सर्वे भी जानन्ति गुरो हो वंदन गुरु वंदन आचार्य से प्रणाम तत् विधाया विधाया इत्यस्य अत्रापि विशेषेण धारय गुरो आचार्य वंदन प्रणाम कृतज्ञता समर्प्य क्योंकि गुरु से गुरु के पास से ही उन्होंने ज्ञान का ग्रहण किया था उसको ही अभी वो अपना ग्रंथ के द्वारा बाहर देने वाले हैं इसलिए उनका कृतज्ञता भाव को स्मरण करना है इसलिए कृतज्ञताम समर्पया तदेव गुरुवंदनम विधाय किम करोति तर्क संग्रहः क्रियते किमर्थम बालानां सुखबोधाय तद्वक्ति भक्ति बालानां सुखबोधाया बालेति बालानां सुखबोधाया इत्युक्तं कलो बाल शिशु होपि भवति बालः ह्यति हाँ जेत् किम द्वितीय कक्षायां पठमानः छात्रः हा, हाँ भवि भवती बालः हाँ। बालः ह्यति हाँ जेत् अंगणवाड़ी जाने वाला भी होता है शिशु विहार एलकेजी यूकेजी का बेबी वो भी बालः है हाँ। तो तेषां सुखोपोदयव अत्र अन्नं भटः बालपदेन कम विचिन्तयति अन्नम भट्ट कस्म ग्रंथम ग्रंथ विरचयती मनसी धार्यते चेत तदशेन सह शे शिशु विहार जाने वाला बच्चे के लिए तो वो तर्क संग्रह नहीं करता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले को भी नहीं करता है है ना बहुत बड़े बच्चे हैं कॉलेज जाने वाले उनके लिए भी नहीं है तो किसके लिए करता है जो न्याय शास्त्र में प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए करते हैं hmm. और न्याय शास्त्र में कौन प्रवेश कर सकता है जिसको व्याकरण का सामान्य ज्ञान है जिसको काव्य का थोड़ा थोड़ा कुछ प्रवेश है जिसको कोश का ज्ञान है उनको ही कुछ तर्कसंग्रह के बारे में बोलेंगे तो समझ में आएगा यदि बहद्धि कॉश नाधीता व्याकर व्याकरणे प्रवेश न मैं संस्कृत में वाक्य बोलते रहा तो वो समझ में आएगा नहीं आएगा ये काव्यम अधीत व्याकरणम शास्त्र कोशः अधीतः न्याय नाधीतम सह तर्कसंग्रहस्य से अधिकारी सह अलपदेन विवक्षिता सुखबोधायात्र बाल सह वक्तुम इच्छति विवक्षा क्या वो बाल से बोलना चाहता है जो जिन्होंने व्याकरण कोश अध्ययन किया है और न्याय शास्त्र में प्रवेश नहीं किया है उनके लिए ये ग्रंथ बना रहा है इसलिए उनको ही वो बाल शब्द से पुकारता है अतः बाल हाथ चेत्र इसलिए चंद्रज सिंह है ना बहुत बुद्धिमान व्यवस्थित रूप में उसको सोच के बोलते हैं कहा बाला अधत काव्य व्याकरण अनधीत न्याय शास्त्रो बाल जिन्होंने न्यायशास्त्र अध्ययन नहीं किया न अधीतम अनधीतम अनाधीत न्याय शास्त्र बाल उतना ही नहीं काव्य व्याकरण कोशादीक अधीतम किसी को बोर लग जाता है तर्क संग्रह के अंदर आया था तो, क्यों क्योंकि पंडित जी तो, तो संस्कृत में ही पढ़ाता है <laughs> उसमें ही बोलता है तो समझ में नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा शब्द बल नहीं है कोश बल नहीं है वाक्य बोलूंगा तो कर्त कर्म पद इत्यादि के साथ अन्वय नहीं होता है क्योंकि व्याकरण नहीं पढ़ा जिस ला, जिस लैंग्वेज का व्याकरण नहीं आता है उस लैंग्वेज का वाक्यों को सुनते बोध नहीं होता है भले वो ये तेलुगु भाषा है ये तमिल भाषा है ऐसा समझ पाता है परंतु वाक्य का बोध तो नहीं होगा क्योंकि व्याकरण ज्ञान नहीं है इदृतभाषाया संस्कृत भाषा विद्यम अस्य ग्रंथस्य अध्यापनम क्रियते चेत बोध आहार तत्कृत्य ये वह भवते यथ क्यास्या भाषा क्यानम वर्तते भाषा क्यानम व्याकरणाधीनम अतः ये न व्याकरणम अधीतम काव्यम अधीतम काव्यम अधीतये चेदेव खलो अनुयज्ञानम भवते शब्दानाम वित्पतिक्यानम भवते अतः भाषा परिपक्वता तत्र ये इसलिए स्वामी जी बार बार बोलते हैं कुछ रघुवंश का इतना सरद पढ़ लो काव्य का इतना भाग पढ़ लो नाटक का इतना भाग पढ़ लो ऐसा बोलते हैं ना स्वयं आग्रह करते हैं स्वयं पढ़ाते भी है। सामान्य ज्ञान ना की तो शास्त्र प्रवेश हो न इसलिए शिक्षा पत्र हमें बोध में नहीं आता है क्योंकि उसका व्याकरण ज्ञान में हम इतना प्रबल नहीं है जितना हमें जरूरत है इसलिए यस्य ग्रंथस्य अध्ययन कर्तव्य तद ग्रंथ बोधार्थम यावद अपेक्षित तावत व्याकरण ज्ञानम तावत कोश ज्ञानम तावत भाषा ज्ञानम तावत काव्य ज्ञानम इत्यादि तो अपेक्षितमेव अतः यस्य ये, कृते एतावत ज्ञानम वर्तते सयव बाल उसको इस ग्रंथ का पढ़ने में बोर नहीं होगा वो एक दिन आके चार दिन के बाद मई नहीं आऊँगा ऐसा नहीं बोलेगा <laughs> अट्टस्थीकरण के लिए दे दिया तो वो कर भी देगा वो ही नहीं करेगा जिसको इसमें प्रवेश नहीं है अतः अतःमी संपादनीय कदाचि अस्मत्ते समय न लब परंतु सहैव तज्ञानमी अवाप्त

देखो ये बाल का लक्षण हो गया न्याय शास्त्र के लिए बाल का लक्षण ये है न स्तन न शिशु न व्यासादि बाला यहा बाला मे यही है अभी यहां पर भी देखिए कितना अच्छा है वो पदकृत्य बोलते हैं ना ये व्याख्याकार वो क्या कर रहे हैं पदा नाम कृत्यम पदकृत्यम ब्रवीति एक एक पद भी क्या अर्थ बोलता है उसका कौन सा अर्थ बोलने में सामर्थ्य है वो हमको समझाते हैं और ये बाल का लक्षण है तो लक्षण वही होता है जो उसका असाधारण धर्म है और लक्षण में एक भी पद व्यर्थ नहीं होना चाहिए ज्यादा आया तो इसमें नहीं है ऐसा हो जाएगा कम आया कम आया तो इसमें नहीं है ऐसा हो जाएगा ज्यादा आया तो दूसरे कहा भी चला जाएगा इसलिए लक्षण तो कभी भी असाधारण धर्म होना केवल इस